दोस्तों नमस्कार। एक नजर लॉगिन कर चुके हैं और आज एक नजर डालने जा रहे हैं दिल्ली के अलाई मीनार पर। दिल्ली के प्रसिद्ध कुतुब मीनार के पास लगभग 27 मीटर ऊंची एक गोलाकार मीनार के अवशेष हैं, जिसे बहुत से पर्यटक आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। इस मीनार की भी एक दिलचस्प कहानी है। यह मीनार दिल्ली के सबसे महत्वाकांक्षी और विवादास्पद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बड़े प्रोजेक्ट में शामिल थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी यानी दूसरा सिकंदर कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल से पहले बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के आकार को दोगुना करने के बाद अलाई मीनार का निर्माण शुरू किया था। वह इस मीनार को कुतुब मीनार से दोगुना अधिक ऊंचा बनवाना चाहते थे। इस बात का सबसे अच्छा वर्णन उस वक्त के प्रसिद्ध सूफी कवि अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक तारीख ए अलाई यानी अलाउद्दीन खिलजी के जीवन और समय में किया है। हालांकि सन 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के तुरंत बाद बस 24.3 मीटर यानी पहली मंजिल के पूरा होते ही निर्माण को छोड़ दिया गया था और खिलजी वंश के उत्तराधिकारियों द्वारा इसे कभी पूरा नहीं किया गया। अलाई मीनार की कुल ऊंचाई 24.38 मीटर यानी 80 फीट और इसकी गोलाई यानी परिधि 77.72 मीटर यानी 255 फीट है। मीनार की बाहरी दीवार असामान्य रूप से मोटी है। आंतरिक में एक केंद्रीय स्तंभ है जहां उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए 3 मीटर चौड़ी सीढ़ियां हैं। केंद्रीय स्तंभ 8 मीटर व्यास का है। मीनार के पूर्वी तरफ एक द्वार है। तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी जानकारी अलाई मीनार की। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।